सो गैस, आप लोग जैसे कि थंबनेल पे देख ही लिए होंगे, सो इस वीडियो में हम एक एक करके सारा डिस्कशन करेंगे कि टेंथ पास करने के बाद क्या करना चाहिए, छोला भटूरा बेचना चाहिए या कुछ काम करना चाहिए। सो एक एक करके इस वीडियो में हम सारा डिस्कशन करेंगे। सो देखते हैं आगे की ओर। सो इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा गाइस। इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं आप लोग के पास नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। सो इस वीडियो में देखते हैं, इससे पहले मैंने 12th पास वाले बच्चे के लिए भी लाया हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगी। सो गाइस, मैं बता दूँ, अगर आप लोग 10th पास किए हैं तो सबसे पहले दो ही काम करें। 10th पास करने के बाद चाहे आप लोग सोचिएगा पैसा कमाएँ या आगे फ्यूचर में फ्यूचर के लिए पढ़ूँ। सो गाइस, मैं इससे पहले बता दूँ कि 10th अगर आप लोग का पास हो गया, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आप लोग एक काम कर सकते हैं, क्या, तो आप सबसे पहले 12th में एडमिशन करवा लेंगे, मतलब 11th में एडमिशन करवा लेंगे। चाहे आपको पढ़ने का मन हो या ना हो, आपको एटलीस्ट इतना तो करना ही होगा। 10th के बाद आपको 11th में एडमिशन कराना होगा, ठीक है। अगर बहुत ऐसे बच्चे हैं कि पढ़ाई के फील्ड से जाना चाहते हैं, देखिए मैं अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्र के लिए मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, ओनली फॉर वो बच्चे के लिए बात करना चाहता हूँ जो नॉर्मल एक जो एक कोर्स करना होता है ना 12th पास करने के बाद, जैसे आईकॉम बोलते हैं या जो भी। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि आपको 11th के लिए एडमिशन ले लेना है, ठीक है, कुल मिला के, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चा का इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं होने के कारण से क्या करते हैं बच्चे कि कुछ काम में लग जाते हैं, इसीलिए मैंने लिखा था कि छोला भटूरा बेचना चाहिए। नहीं गाइस, मैं बता दूं कि मैं मानता हूं, मैं हर वो फील्ड को देखते हुए इस वीडियो को मैं डिज़ाइन करता हूं, जब भी डिज़ाइन करता हूं। सो गाइस, क्या करेंगे, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 11th में एडमिशन करने के बाद, आप मैं पहले पढ़ाई वाले बच्चे के लिए बना देता जो पढ़ना चाहते हैं। 11th करने के बाद अगर आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड से जाना चाहते हैं या मेडिकल फील्ड से, तो 100% है कि आप लोग साइंस ले लीजिए, मे बी सेंट। अगर आप लोग साइंस में भी दो पार्ट बन जाती है, मैथ लें या बायो लें। सो गाइस, अगर आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैथ लेंगे, और आप लोग बायो फील्ड में जाना चाहते हैं, सपोज डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप लोग साइंस लेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा तक शेयर करें, ताकि बहुत ऐसे बच्चे को आइडिया नहीं होता है कि क्या करें 10th के बाद। यदि नहीं तो और भी ऑप्शन है, 10th करने के बाद आप लोग डिप्लोमा कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं। भाई डिप्लोमा एक टेक्निकल डिग्री है, इसके करने के बाद आपको जॉब 100% तो लग तो नहीं जाएगा, पर आप हाँ प्राइवेट सेक्टर में आप लोग जॉब कर सकते हैं। और ITI भी इसी तरह एक टेक्निकल डिग्री है, ठीक है, और आप लोग ITI भी कर सकते हैं 10th पास करने के बाद, वो भी एक टेक्निकल डिग्री है। बट अगर आप लोग डिप्लोमा करेंगे तो उसका फ़ी कुछ ज़्यादा है, ITI करेंगे तो उसका फ़ी कम है। ये एक ITI एक वर्कर लेवल का जॉब है, इफ़ यू डोंट माइंड गाइस, जो आप लोग अगर ITI कर रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को, ठीक है। और टेक्निकल थोड़ा सा JEE लेवल का पोस्ट हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। डिप्लोमा में भी कई पार्ट में डिपार्टमेंट बटा हुआ है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि डिप्लोमा लेना है तो कौन सा ब्रांच बेस्ट है, अगर आप लोग ITI किए हैं तो कौन सा ब्रांच बेस्ट है, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आप सिविल सर्विस या इवन कोई और भी कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सफिशियंट है कि आप लोग जो नॉर्मल क्या होता है कि आप लोग साइंस ना लेते हुए, आप कॉमर्स ना लेते हुए आर्ट्स का सब्जेक्ट आप लोग चुन सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। अगर आप एक कॉन्टेंट फील्ड से जाना चाहते हैं तो आप लोग आईकॉम बोलते हैं, कॉमर्स आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और कॉमर्स में भी हाँ, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, ठीक है। और यही एक एज होता है जो बच्चे 12th में जाते हैं, इसी एज में बच्चा चाहे पढ़ता है चाहे बच्चा बिगड़ता है, मैक्सिमम बच्चा का केस यहीं से देखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर पढ़ाई पे फोकस करना है तो आप लोग को आइसोलेट होना है, आइसोलेट मतलब आप लोग को हर चीज़ से बचना है, हर वो निगेटिव थाट से आप लोग को बचना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों अप्रॉक्स आप लोगों का इंटर अच्छा रहा ना, अगर 12th तक आपका अच्छा रहा ना, तो मैं 100% बोलता हूँ कि आगे आपका ग्रेजुएशन भी अच्छा रहेगा, ठीक है। टारगेट करेंगे, अगर आप 10th के बाद जाना चाहते हैं तो टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा, आप अगर आप चाहते कि नहीं मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ना चालू कर देंगे, मतलब ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट खेल खेल के साथ पढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है। ये एज होता है बच्चा का थोड़ा सा घूमने फिरने का, अगर बात करें नॉर्मल वे में, अगर बात करें देसी लैंग्वेज में, तो एक होता है कि इंजॉय करने का भी एक यही एज माना जाता है अच्छा। बट अगर आप अभी इंजॉय कर लीजिए चाहे आप बाद में इंजॉय कर लीजिए, वो आपको ही फ़र्क करता है। अगर लाइफ आप अभी मजा ले लिए तो बाद में आप ही सजा भोगिएगा, अगर आप अभी थोड़ा सा मेहनत कर लिए तो बाद में 100% कि आप ही इंजॉय कीजिएगा, ठीक है ना, ये बात 100% फिक्स है। सो गाइस, मैंने आप लोग को बना दिया, जो बच्चा आप लोग
पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चा क्या है कि पढ़ने के साथ जॉब करना चाहते हैं, मैं उसके लिए भी बता दूँ गाइस। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसका इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं होता है, तो मैं बता दूँ कि हाँ आप लोग काम भी कर सकते हैं, काम कई तरीक़ा से कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क पर वर्क कर सकते हैं, इवन सोशल नेटवर्क बहुत ऐसा काम है, ठीक है। और मैं बता दूँ, और इसके बाद आप लोग हो सके तो एक 4 घंटा के लिए आप लोग कोशिश कीजिए, कोचिंग वगैरह, स्कूल वगैरह कुछ ऐसा चीज़ ज्वाइन कर लें, या कुछ ऐसा जॉब जो छोटा जो पार्ट टाइम हो, और पढ़ाई भी करें। पढ़ाई कभी मत छोड़ो गाइस, क्योंकि पढ़ाई आपको अभी नहीं मालूम होगा, क्योंकि अभी आप लोग बहुत छोटे होते हैं 10th के बाद। कोशिश करें, आप लोगों को बाद में मालूम होता है कि आखिर पढ़ाई क्या चीज़ है, तो प्लीज़ इसमें आप लोग कभी पढ़ाई को नहीं छोड़िएगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, Ritesh Sethu 199@ पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ भी जाके देख सकते हैं। मुझसे बात करना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आके मुझसे बात भी कर सकते हैं, 24 Study Center पे आके, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है बेचक कमेंट भी कर सकते हैं, हो सके तो जितना इस वीडियो को शेयर करा तो शेयर कीजिएगा, लेकिन लाइक कीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा और भी कुछ पूछना है बेचक पूछिएगा, ठीक है। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए मैंने यही है, बाकी बात मैंने मुझे लगता है मैं हर चीज़ आपको बता रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और हाँ लक्ष्मी बेटा, आपका क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया, और आप एक काम करना कि अब आप दोबारा फालतू का क्वेश्चन मत करना। थैंक यू।